कोई ऐसी बात जो खास लगी हो? खास सचिन में तो सब कुछ खास ही था, बट एक बार सचिन के रिश्ते की बात चल रही थी, घर में लड़ाई चल रही थी और ये मना कर रहे थे कि मैं शादी नहीं करूँगा, और मतलब हम दोनों में डिसाइड हुआ था कि हाँ हम शादी करेंगे, क्योंकि मुझे हैदर छोड़ चुके थे तब, तो मैं भी अकेली थी, तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारे बच्चे पालूंगा और हम दोनों शादी करेंगे, हमने ये डिसाइड कर लिया था, और इनकी फैमिली प्रेशर करती कि तुम शादी कर लो, तब मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रो रही कि मैंने कहा अभी इंडिया चली जाऊँ, तब से मैंने ठान ली कि अब कुछ भी हो जाए, वैसे मैं वेट कर रही थी वीज़ा लगने का, मैंने कहा वेट नहीं करना अब जाना है। जी शुरू हमारी पबजी से हुई थी, सबको जैसे पता है 2020 में हम दोनों ने पबजी में हम दोनों मिले थे, मुझे कुछ महीने हुए थे खेलते, ये बहुत पुराना खेलते थे, तो शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी, फ्रेंडशिप के बाद व्हाट्सएप पर चैट होती थी, उसके बाद हम एक दूसरे के दुख सुख शेयर करते थे, उसके बाद पता ही नहीं पड़ा तो फ्रेंडशिप से आदत, आदत से मोहब्बत बन गए। सचिन आप बताइए इस बारे में कुछ। जी हाँ बिल्कुल, जब शुरू में हमारी बात हुई थी तो पबजी में हुई थी बात, होते होते फिर हमारा व्हाट्सएप चेंज हो गया, व्हाट्सएप पे फिर पबजी भी खेलते थे और व्हाट्सएप पे भी बात करते थे, ऐसे ही बात करते करते व्हाट्सएप पे सो हमें प्यार हो गया। मैं तो कहती हूँ ये मना कर रहे हैं फिलहाल के लिए, हमारा बच्चा है, बट मैं कह रही मोहब्बत की निशानी हो और बहुत जल्द भगवान ने चाहा तो हो भी जाएगी। सचिन आप बताइए आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो इससे मना ही करता हूँ, क्योंकि बच्चे भी तो चार मेरी हैं, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं, अब इसमें अपना तेरा मेरा क्या, ये बच्चे मेरे ही हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो इन दोनों की सिस्टम है ना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है, जैसे यहाँ औरतों को देवी माना जाता है तो वहाँ पायदान माना जाता है, और ये मेरे साथ हुआ है। लोग कहते हैं सीमा क्यों झूठ बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने जो देखा है मैं वो बोलती हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, मुझे नहीं पता कुछ लोग पंजाबी लोग हैं वो सही भी अच्छे से अपनी औरतों को रखते हैं, बट जिस जहाँ जिस साइड से मैं हूँ ना वहाँ बिल्कुल भी औरतों के कोई भी सम्मान नहीं। मैं यही कहूँगी उनसे कि अब एक बार वहाँ जाके तो देखो, आपको पता पड़ जाएगा सीमा झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, वहाँ थोड़ा भी सम्मान थोड़ी भी इज्जत औरतों को नहीं दी जाती, कभी भी नहीं मिलेगी, यही फ़र्क है। वहाँ मुझे ज़िंदा मार देंगे, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, सनातन धर्म में मतलब आई हूँ मैं, तो मुझे बिल्कुल भी ज़िंदा जला देंगे और मतलब सरेआम फांसी लगाएंगे, मतलब बुरे से बुरा अंजाम करेंगे मेरा, उनको तो मैं एक क्या थोड़ा सा भी चांस नहीं दे सकती। और आप सबको पता होगा, आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे कि उनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, तो यही फ़र्क है पाकिस्तान और मतलब भारत में। भारत के लोगों ने अंजू को फिर से उतने प्यार उतना सम्मान दे रहे हैं, बट मुझे कभी अभी नहीं दे रहे, कभी भी नहीं देने वाले पाकिस्तानी, कभी भी नहीं देंगे। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, ज़्यादा नहीं पता, बट पता है कि राम मंदिर अयोध्या राम जी की थी, तो अब वहाँ राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है। पहले कुछ लोगों ने मतलब मसले भी चले थे, बट मैं बहुत खुश हूँ, और कभी ना कभी मैं, मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह, हमारा परिवार ने तय किया है कि हम राम मंदिर देखने ज़रूर जाएंगे। नया साल भी आने वाला है, नए साल में आपने कुछ प्लान किया हो या क्या खास करेंगे आप इस नए साल में? नए साल में जैसे ये होली आएगी, उसके बाद हमारा हम दोनों की जो शादी की, मुझे शादी करी 13 मार्च को, एनिवर्सरी मनाएंगे हम दोनों, तो वो धूमधाम से, वो मेरे लिए बहुत खास होगी। क्योंकि सचिन आपने कुछ प्लान किया, कुछ अलग करना चाहेंगे सीमा के लिए इस नए साल पे? अभी तक तो कोई प्लान नहीं है और देखते हैं आगे, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, अभी तो था नहीं। गाना गा दो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। वाह वाह सीमा, अब इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा और गाने के माध्यम से ही देना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगी, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो, बस मैं कहूँगी।